चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर नागपुर से क्रिकेट मैच से जुड़ी हुई मिली है, जहां इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया 177 रन पर ऑल आउट हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्पिन के जाल में कंगारू फंस गए। रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट चटकाए हैं और इसके साथ ही रविचंद्रन अश्विन को 3 विकेट मिले हैं। तो लाभुशेन ने 149 रनों की पारी खेली। स्पिन के जाल में कंगारू फंस गए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में टेस्ट मैच का पहला मैच आज खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया 177 रनों पर ऑल आउट हो गई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और विशेष संवाददाता दिलीप कापसी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। कापसे जी, क्या कहेंगे, रोमांचक मुकाबला आज देखने को मिला, 177 रनों पर कंगारुओं को ऑल आउट कर दिया है टीम ने। देखिए, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नागपुर की जो पिच है वो पहले दिन से ही स्पिनर्स को मदद करेंगी, और एज इट इज हुआ ही वैसा है कि 10 विकेट जो ऑस्ट्रेलिया के गए हैं उसमें से 5 विकेट जडेजा ने लिए हैं, 3 विकेट अश्विन ने लिए हैं। और सबसे अच्छी चीज ये रही कि 5 महीनों के बाद जडेजा कम बैक कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, उसी लाइन पर उनकी गेंद है, उसी लेंथ पर उनकी गेंद है, वो सारे हथियार जो जिससे बल्लेबाज घबराते हैं उनको जडेजा ने आज आजमाया। और जिस तरह से सिराज और शमी ने शुरुआत दिलाई, तभी लग गया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत लंबे स्कोर पे नहीं जा पाएगा। हालांकि लाभुशेन और स्मिथ ने कुछ देर तक किला लड़ाया, लेकिन जडेजा की फिरकी ने पूरे कंगारुओं को जो है अपने जाल में फंसा लिया और बहुत शानदार तरीके से भारत ने ये मैच बनाया है। पहली इनिंग में 177 रन का स्कोर कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। इंडिया अब जो कोशिश में करनी चाहिए भारत को कि वो कम से कम 100-125 की जो लीड है वो अपनी इनिंग में करे ऑस्ट्रेलिया को और दबाव में लाए। शुक्रिया आपका दिलीप जी तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, जो पिच को लेकर स्ट्रेटजी थी राहुल द्रविड़ की, वो काम भी आई है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मुकाबले में बड़ी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया को 177 रनों पर समटा दिया है भारतीय गेंदबाजों ने। और भारत फिलहाल बिना नुकसान के लगातार रन बना रहा है। कप्तान रोहित शर्मा के राहुल इस वक्त क्रीज पर है।